प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंच गए हैं। मलेशिया के बाद मोदी सिंगापुर जाएंगे। अपने 2 दिनों के दौरे में पीएम मोदी 13वें आसियान सम्मेलन और 10वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। कुआलालंपुर पहुंचने पर वहां बसे भारतीय लोगों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे लगाए। आज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान बिजनेस निवेश समिट को संबोधित करेंगे और आसियान सम्मेलन में भाषण देंगे। इस दौरे का लक्ष्य एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने और निवेश को आकर्षित करना है। 25 नवंबर को पीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा के दौरान पीएम मोदी दोनों देशों में बसने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। ये पहला मौका होगा जब किसी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में मोदी का भाषण सुनाई देगा। 22 नवंबर को कुआलालंपुर में और 24 नवंबर को सिंगापुर में मोदी का भाषण है। मलेशिया में आसियान सम्मेलन से संबंधित पुलिस की खुफिया रिपोर्ट लीक होने से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुआलालंपुर में आईएसआईएस के 10 फिदायीन हमलावर हो सकते हैं, जहां दुनिया के 18 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पुलिस सर्कुलर के मुताबिक फिलीपींस के एक आतंकी संगठन के साथ आईएस की बात भी हुई है। आतंकी साजिश के खुलासे के बाद से ही मलेशिया में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सेना के 2000 सैनिकों को कुआलालंपुर में अहम ठिकानों पर तैनात किया गया है, जबकि 2500 सिपाहियों को सतर्क रखा गया है। सबाह में भी आईएस के 8 फिदायीन हमलावरों की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार ने 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज बिहार सरकार के कामकाज का पहला दिन है। सुबह 11 बजे नीतीश कुमार अफसरों के साथ बैठक करेंगे और राज्य की कानून व्यवस्था का जायजा लेंगे। शाम 5 बजे नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी, जिसमें सभी नए मंत्री मौजूद रहेंगे। पटना के गांधी मैदान में कल नीतीश के साथ साथ लालू यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ के दौरान तेज प्रताप के उच्चारण को लेकर राज्यपाल ने 2 बार टोका, क्योंकि तेज प्रताप ने अपेक्षित को उपेक्षित पढ़ा था। तेज प्रताप को स्वास्थ्य और लघु सिंचाई मंत्री बनाया गया है। लालू के दूसरे बेटे तेजस्वी को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जेडीयू और आरजेडी कोटे से 12-12 मंत्री और कांग्रेस के 4 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पटना में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी दिखी। लालू यादव ने अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाया तो शपथ ग्रहण समारोह में देर से पहुंचे राहुल गांधी ने खुद पहल करके लालू यादव से हाथ मिलाया, जबकि प्रचार के दौरान दोनों ने एक दूसरे से परहेज रखा था। वहीं वामपंथी नेताओं के साथ साथ एक मंच पर ममता बनर्जी भी नजर आईं। मोदी सरकार के खिलाफ गोलबंद होने की रणनीति पटना से शुरू हो गई है। शपथ ग्रहण के बाद सीएम निवास पर हाईटी के दौरान सभी नेता एक दूसरे से मिले। पश्चिम अफ्रीका के माली में एक होटल में हमलावरों ने कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। ताजा जानकारी में मरने वालों का आंकड़ा 27 है। आतंकी घटना में पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है। आतंकियों ने कई घंटों तक लोगों को बंधक भी बना लिया था। माली में मारे गए दोनों हमलावरों की पहचान इस्लामिक आतंकियों के रूप में हुई है। अच्छी खबर यह है कि होटल पर आतंकी हमले में वहां मौजूद सभी भारतीय सुरक्षित हैं और 20 भारतीयों को वहां से निकाल लिया गया है। शीनापुरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 23 नवंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। पीटर मुखर्जी पर भी हत्या का केस दर्ज हुआ है और उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज पीटर मुखर्जी का जन्मदिन भी है। शीना मर्डर केस में सीबीआई चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें लिखा गया है कि इंद्राणी मुखर्जी ने शीना का गला दबाया था, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय ने शीना का मुंह दबाया था। शीना ने बचने की कोशिश के दौरान श्यामवर को दांत से काटा भी था। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने शीना के बाल खींचे थे। संजीव खन्ना से इंद्राणी की बेटी विधि ने राहुल और शीना को इंद्राणी के गुस्से के बारे में चेताया था। विधि ने एसएमएस के जरिए शीना को इसकी जानकारी दी थी। चार्जशीट के मुताबिक विधि को डर था कि शीना ने उसके एसएमएस का जिक्र किया तो उसे भी जान का खतरा हो सकता है। विधि ने कहा था कि ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का 76वां जन्मदिन है। जन्मदिन को मनाने के लिए सैफई को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सैफई के स्टेडियम में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1 SP, 11 ASP, 32 DPSP, 28 SO, 200 दरोगा और 800 सिपाहियों के साथ 5 कंपनी PSC लगाई गई है।
मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने के लिए लालू यादव, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अमर सिंह, ऋतिक रोशन समेत कई दिग्गजों के पहुंचने की संभावना है। एआर रहमान का म्यूजिकल ग्रुप भी सैफई के मंच पर होगा। आज रात मुलायम अपने जन्मदिन का स्पेशल केक काटेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि के मैगी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां साजिश कर रही हैं। नियमों के उल्लंघन पर बाबा रामदेव ने कहा कि उन्होंने किसी भी मानक को तोड़ा नहीं है, बल्कि हमारे उत्पाद में लोगों के भरोसे को देखकर एमएनसी घबराई हुई हैं। यूपी के गाजीपुर में सांसद और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने गाजीपुर और आसपास के इलाके की जनता की मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन में भारत और विदेशों के डॉक्टर असाध्य बीमारियों का भी ट्रेन में ही बने कूपे में जांच कर इलाज करेंगे, जो बिल्कुल मुफ्त होगा। उत्तराखंड के रुड़की में आतंकवादी संगठन ISIS के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने ISIS और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पेरिस हमले की जमकर निंदा की। इस प्रदर्शन में देश के मुस्लिम धर्मगुरुओं के संगठन जमीयत ए उलेमा के साथ मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक और सामाजिक लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के एक स्कूल ने 7 साल के HIV पॉजिटिव बच्चे को अपने यहाँ पढ़ने से मना कर दिया। बच्चे की माँ भी उसी स्कूल में बंगाली पढ़ाती है, लेकिन जब उन्होंने प्रिंसिपल से अपने बच्चे की बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने उसे स्कूल आने से मना कर दिया। स्कूल की दलील है कि दूसरे बच्चों के माता पिता HIV पॉजिटिव बच्चे के यहाँ पढ़ने के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यूनिसेफ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर। करीना ने हाल के दिनों में सम्मान वापसी पर कहा कि अवार्ड लौटाने से किसी समस्या का हल नहीं होगा। करीना ने कहा कि अवार्ड लौटाने के बजाय लोगों को ये सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान कैसे निकले, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर के साथ रायपुर में यूनिसेफ के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रमन सिंह भी मौजूद थे। मंच में दस्तक देने के बाद रमन सिंह ने बिना देरी के खटाखट 2-4 सेल्फी ले ली। कांग्रेस ने यह नजारा देखते ही चुटकी लेने में कोई देर नहीं की और कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मौत हो रही है, बेटियां गायब हो रही हैं और मुख्यमंत्री करीना कपूर के साथ सेल्फी ले रहे हैं। गुड़गांव में क्लॉथ मॉकर्स फाउंडेशन ने अपना सालाना प्रोग्राम आयोजित किया। क्लॉथ मॉकर्स फाउंडेशन इस कार्यक्रम के जरिए आम लोगों को गरीबों की मदद के लिए प्रेरित करता है। क्लॉथ मॉकर्स फाउंडेशन पिछले कई सालों से गरीब बच्चों और लोगों को मुफ्त में कपड़े और अन्य सुविधाएं देता आ रहा है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने गुड़गांव में हरियाणा को टीबी मुक्त करने के एक अभियान की शुरुआत की। इस कैंपेन को हरियाणा सरकार और मेदांता अस्पताल ने मिलकर शुरू किया है और अमिताभ बच्चन इस अभियान का चेहरा है। इस दौरान उन्होंने एक मोबाइल बस का भी उद्घाटन किया, जो हरियाणा में घूमकर टीबी मरीज का इलाज करेगी। निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म शिवला में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिसकर्मी ने माल रोड में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने शिमला के पुलिस रिपोर्टिंग रूम का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली में नरेला थाना क्षेत्र के स्वतंत्र नगर इलाके में 2 गुटों के आपसी झगड़े में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली दिल्ली पुलिस के सिपाही को भी लगी है। 3 लोगों को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, लेकिन पुलिसकर्मी की हालत नाजुक बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में आरोपी भी सेना में कमांडो रह चुका है। यूपी में हापुड़ के असौड़ा की साप्ताहिक बाजार में गैस के गुब्बारे भरने वाले सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट से भगदड़ मच गई। हादसे में 6 बच्चों समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बाद में अस्पताल में 1 महिला और 3 बच्चों की मौत हो गई। यूपी के एक IRS अधिकारी गौरव शुक्ला को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना पुलिस ने युवती से दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप में नागपुर से गिरफ्तार किया है। साल 2012 बैच के IRS अफसर को नागपुर स्थित IRS ट्रेनिंग कैंप से पकड़ा गया। इसे नागपुर कोर्ट में पेश कर 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया जा रहा है। मामला दर्ज होने के बाद अफसर कई महीनों से फरार था। दिल्ली में कूड़ा बीनने वाले के वेश में चोर गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। उत्तरी दिल्ली में CCTV ने ऐसे कई चोरों को बेनकाब किया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर हाथ धरे बैठी है। CCTV में साफ दिख रहा है कि कूड़ा बीनने की आड़ में पहले चोर रेकी करते हैं, फिर चोरी को अंजाम देकर चोरी का माल कूड़े की गाड़ी में डालकर रफू चक्कर भी हो जाते हैं। बाहरी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में एक फ्लैट में दलवीर नाम के शख्स का शव मिला है। 35 साल का दलवीर सेक्टर 16 में रहता था और इस फ्लैट में एक महिला के साथ आता जाता था। KN काटजू थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यूपी के फरुखाबाद के बाल कल्याण समिति ने नाबालिग बच्चों से खतरनाक करतब दिखाने के आरोप में 12 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया है। सभी लोग छत्तीसगढ़ के हैं। हालांकि इन लोगों का ये पुश्तैनी धंधा है। बाल कल्याण समिति के दफ्तर में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके बताए छत्तीसगढ़ के पते पर भी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। एक और जहां झांसी पुलिस जिले में ग्राम प्रधान चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने की कोशिश में लगी है, वहीं झांसी में ही थाना सीपरी बाजार के गांव भोजला में ग्राम प्रधान के दो प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। गांव में कई राउंड फायरिंग होने से दहशत का माहौल बना हुआ है। बस्ती के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पठान टोला में पुलिस ने नकली मोबिल ऑयल बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यहां से 3000 लीटर नकली मोबिल ऑयल और 19 ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इस काले कारोबार के 2 अहम कर्ता धर्ता भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बिहार के कटिहार में स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही स्कूल बस की आमने सामने ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। स्कूल जा रही बस में सवार कई बच्चे हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत एक टीचर और एक स्कूल असिस्टेंट की मौत हो गई। यूपी के जौनपुर पुलिस ऑफिस में एक युवती के जहरीला पदार्थ खाने के बाद हड़कंप मच गया। बेहोश हुई लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती ने अपने बयान में जहर खाने की बात कही है, लेकिन पुलिस इसे ड्रामा बता रही है। लड़की के मुताबिक इलाहाबाद में तैनात एक सिपाही ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब शादी से इनकार कर रहा है। लड़की का आरोप है कि पुलिस उसकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही। राजस्थान के भरतपुर में 3 दिन पहले लापता हुए 18 साल के लड़के का शव नहर में मिलने से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या कर शव को नहर में फेंकने की आशंका जाहिर की है। मृतक युवक हलवाई की दुकान पर काम करता था। किला स्थित सुजान गंगा नहर में इसके शव को लोगों ने तैरते हुए देखा तो राहगीरों का जमावड़ा लग गया। फिर पुलिस को खबर की गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में जनहित की मांगों को लेकर एक बुजुर्ग समेत 2 लोग पिछले 4 दिनों से मोबाइल की ऊंचे टॉवर पर चढ़े हुए हैं, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी है। खास बात यह है कि उन्हें उतारने के लिए पुलिस या प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। दोनों पुलिस के गुंडा एक्ट में फर्जी कार्रवाई करने से नाराज हैं। टॉवर पर चढ़े दोनों लोगों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें जबरन उतारने की कोशिश की गई तो वो नीचे कूद जाएंगे। दिसंबर में भारत पाक सीरीज होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक मनोहर पीसीबी अध्यक्ष शहरयार खान से रविवार को मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात दुबई में होगी और 22 नवंबर को सीरीज के ऐलान की उम्मीद है। नागपुर में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन का खेलना मुश्किल है। मेहमान टीम ने तेज गेंदबाज मर्चेंट डी लेंगे को टीम में शामिल किया है। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में क्रिकेटर हरभजन सिंह की एकेडमी भी पंजाब द शेर टीम का हिस्सा बन गई है। इस मौके पर खास बातचीत में हरभजन ने कहा कि वह T20 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। शादी के बाद पहले मीडिया इंटरव्यू में हरभजन ने युवराज को सलाह भी दी है कि सगाई के बाद अब शादी में युवी देर न करें। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की। प्रोफेशनल करियर और बॉक्सिंग में भारत को बढ़ावा देने की योजना पर दोनों के बीच बातचीत हुई। सानिया मिर्जा ने साल 2015 से ज्यादा कामयाबी हासिल करने को बेहद मुश्किल बताया है। सानिया ने कहा कि अगले साल भी इस साल जैसा प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगी, लेकिन राह आसान नहीं है। इस साल 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सानिया डबल्स रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर भी रहीं।